और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा है। अजमेर के पुष्कर में आज प्रधानमंत्री मोदी जनसभा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद होंगे। अजमेर से बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी भी मौजूद रहेंगे। नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा भी मौजूद होंगी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद होंगे। मेला मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन होगा। दोपहर 12:30 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले सहारनपुर में 10:30 बजे, उसके बाद आपको बता दें 12:30 बजे का कार्यक्रम है जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे राजस्थान और यहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और शाम 5:30 बजे का समय होगा जब गाजियाबाद में प्रधानमंत्री मोदी होंगे और पहला रोड शो इस चुनावी सीजन का अगर हम कहें तो वो आज गाजियाबाद से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार को धार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी पुष्कर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान भजनलाल शर्मा भी मौजूद होंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जो कार्यक्रम उसके मुताबिक 11:30 बजे जयपुर से पुष्कर के लिए रवाना होंगे सीएम। दोपहर 12:05 पर पुष्कर पहुंचने का सीएम का कार्यक्रम है और इसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद आपको नजर आने वाले हैं। तो आज पूरे दिन ताबड़तोड़ दौरों का दिन प्रधानमंत्री मोदी का है। प्रधानमंत्री मोदी पुष्कर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो एक तरफ जहां पुष्कर पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी, दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में आज होने वाली है जनसभा। जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज राजस्थान का जो सियासी पारा है वो काफी चढ़ा हुआ नजर आने वाला है। पीएम मोदी आज अजमेर और नागौर में जो चुनावी क्षेत्र उसको संबोधित करने वाले हैं और आज की जो सभा है वो कई दृष्टिकोण से काफी अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस बार ब्रह्म मंदिर और सरोवर में पूजा अर्चना नहीं करने वाले हैं। पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी अजमेर आए थे तब उन्होंने यहां पर पूजा अर्चना की थी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं आज प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि बैक टू बैक सभा है, बैक टू बैक रोड शो आज प्रधानमंत्री मोदी के। और इसी बीच ये जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए करीब 1 लाख लोगों के आने का दावा भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है।